थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत शिद्दत से पढ़ाते हो, दिल से पढ़ाते हो, है ना। नॉलेज का अब भंडार हो आप। हर हैंड राइटिंग हमारे जीवन में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपने बताया कि जीवन के हर एस्पेक्ट को हम हैंड राइटिंग से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो। अब सोचो, लोग भटक रहे हैं रेमेडीज के लिए और ये पता ही नहीं कि हमारे पास इतनी प्यारी चीज है हैंड राइटिंग, जिससे कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। और सबसे बड़ी कि आपकी जो टीचिंग है, आप जैसा गुरु जिन्होंने हमें ये बताया कि जो हैंड राइटिंग है उससे हम अपना, अपने फैमिली, अपने संबंधों को कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने करियर को कैसे आसमान को छू सकते हैं। आपने हमें पंख दिए मैम आज, दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। नहीं मालूम था कि क्या होती है ग्राफोलॉजी, नहीं जानती थी कि कैसे लेटर लिखने हैं। सिर्फ लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए और जीवन की उलझनों में उलझते चले गए। मगर आज बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन उलझनों को सुलझाने का रास्ता दिया आप। दिल से धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ कि ये आपका जो ये हमारे साथ जर्नी है, ये हमेशा आगे बढ़ती रहे और आपके साथ जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उनके जीवन में जो आप एनलाइटमेंट कर रहे हो, जितना रोशनी दे रहे हो उनके जीवन को, मार्गदर्शन दे रहे हो आप उनके जीवन का, इतना प्यारा काम कर रहे हो, इतना नोबल काम कर रहे हो आप कि उसके लिए साक्षात नमन करती हूँ मैं। आप दिल से, आप दिल में बसते हो सच में। और मनीष सर, आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे, कहते हैं ना गुरु ने परमात्मा से मिला दिया, तो आज मैं बहुत सीख, मैंने बहुत सारे कोर्स किए मैम, लेकिन जो चीज चाहिए थी ना, एक चीज जो आपके सोल को सेटिस्फाई करती है, वो मुझे आपसे मिली है। एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू हर लेटर से मोहब्बत कराने के लिए। और ये मोहब्बत जो है ना आपसे शुरू हुई है, आपसे लेटर्स तक, और इस लेटर से हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट जो है ना, उन चीजों को हम अपने सुलझाएंगे और आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि और लोगों के जीवन भी आपके साथ वो लोग जुड़ते जाएं और उनके जीवन में भी रोशनी मिलती जाए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आई लव यू मैम। सच में शब्द नहीं है आपकी टीचिंग, जो इतनी अमेजिंग टीचिंग है ना, जो मैं बता नहीं सकती कि नोट्स क्या, आपके शब्द, आपके एग्जाम्पल्स वो यहाँ पे बस गए तो वो कहीं नहीं जाते अब। थैंक यू सो वेरी मच। के लिए, सेमिनार के लिए, ग्राफोलॉजी के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है मैम, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, जी बट आई लव यू सो मच। मैं चाहती नहीं थी कि ये क्लासेस खत्म हो। मैं मतलब बहुत सारी चीजें होती है मेरे साथ, नहीं टाइम निकाल पाती हूँ, मगर आपके लिए तो मैं वेट करती थी, हाँ अब ये टाइम हो गया, मुझे फटाफट जाना है, लाइव बंद करो, ये पहुंचो। लव यू सो मच मैम, आपने सही बोला, लव यू सो मच। I am such an impatient person, but madam की class के लिए आ जाते हैं, I am so impatient, मैं एक जगह पे बैठ ही नहीं सकती हूँ। मतलब नहीं है मेरे में कि मैं बैठ जाऊँ एक जगह पे, है ना, कि भी तेरे को क्या चाहिए। I want to spend time with my daughter, जो मैं अभी तक बहुत अच्छे से कर नहीं पाई, लेकिन जब आपसे बात सुना और आपने देना, आपसे सीख के मैंने उसके लिए कुछ चीजें करके, और एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी रिलैक्स कि जब मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, बात करती हूँ ना, तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं आपसे मिली। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू स्पनिश सर कि उन्होंने मुझे बोला कि आप करके तो देखो, वो मैम आपके दिल में घुस जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, मैं भी इमोशनल हूँ आपके साथ।